आज सुनेंगे 28 सितंबर 1969 की अव्यक्त मुरली, पूरे कोर्स का सार, कथनी करनी एक करो, किस रूप में मुलाकात कर रहे हो, अव्यक्त रूप से, स्नेह रूप से व शक्ति रूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप में व शक्ति रूप में व अव्यक्त रूप में। वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से ज़्यादा कौन सा रूप रहता है? इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? हर एक ने अपना अपना समाचार सुनाया। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। अब सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है, इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट विघ्नों को एक सेकंड में ख़त्म कर दे। हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई, अब जिन्होंने भी पॉइंट सुनाई है वो फिर भी अपना अनुभव लिख कर भेजे कि इस पॉइंट को यूज़ करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ। जैसे कोई दवाई एक यूज़ करके देखता है, फिर अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज होता है, तो यह सब भिन्न भिन्न पॉइंट जो निकली है उन सब का सार दो शब्दों में याद रखो, जिसमें आपकी सब बातें आ जाए। यह जो अब कोर्स किया है उसका मुख्य सार दो अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे, आज्ञाकारी हैं, मददगार है। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। कहना और करना, कहने और करने में अंतर नहीं हो, यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो, विकार बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी में न्यारे होकर नहीं चलते हो, तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। इसलिए आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो वो करके दिखाना है, सिर्फ कहना नहीं करना है। अब सर्विस जो रही है वो कहने से नहीं होंगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। कथनी करनी और रहनी कहते हैं ना, तो कथनी करनी और रहनी तीनों ही एक हो, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी जल्दी पहुंच सकेंगे। हर समय यह चेक करो, जो कहती हूँ वो करती हूँ? कहती हो हम सर्वशक्तिमान की संतान है, और करते क्या हो? कमजोरी की बातें। आज से ये पक्का करो, जो कहूँगी सो करूँगी। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आपे ही करेंगे, आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब तक तो यही उलहने मिलते हैं, कहते एक है करते तो दूसरा है। उलहनों को ख़त्म करना है, उलहना ख़त्म हो तो फिर क्या बन जाएंगे? अल्लाह अर्थात ऊंच बन जाएंगे। जितना अल्लाह बनेंगे तो फिर ना चाहते हुए नाम वाला होगा। तो किए हुए कोर्स की
यह शिक्षा है। मुख्य सार, सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है जिससे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में ले रही, लेकिन इस देवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसानकारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता, उससे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस भट्टी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली, इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। सफाई अर्थात अंदर में कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है उसकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा, उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहेब राजी होता है, तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर देवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नज़र से नहीं देखेगा, उनकी नज़र वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता वाली होंगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा ना ही दूसरों को करेगा। जो सच्चा होगा वह प्रिय होगा। कहीं समझते हैं हम तो सच्चे हैं, लेकिन मुझे समझा नहीं जाता है। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़ी ही सकता है, इसलिए यह समझना है कि मैं ऐसा हूँ परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता है, यह भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सबके सच्चे प्रिय बन जाते हैं। कई यह भी समझते हैं हम नज़दीक नहीं हैं, इसीलिए प्रख्यात नहीं है। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते, कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के नज़दीक होगा। जो बाप के नज़दीक है वो सबके नज़दीक है। तो सच्चा बनना है। सफाई का सबूत चलन में दिखता है, सिर्फ समझना ही नहीं है लेकिन कर्मों में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा चेक करो, आप अपने को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं, याद है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल है उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा।
भाषण करना, किसी को समझाना सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल है वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है, हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है, वह कहाँ डिसर्विस वाली चलन तो नहीं है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए जो कहना है वो करना भी है। यह याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। कई बहुत खुश होते हैं, हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, परंतु बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। अब तो बेहद की सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। अब अपने को देखो कि हम सर्विसेबल बने हैं। ऐसा सर्विसेबल फिर स्नेही भी बहुत होगा। अब ऐसा सभी ने ठप्पा लगाया है, वह कोई साहस अभी रख रहे हैं। जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग गया। अपने में शक क्यों रखते हो? ना मालूम परीक्षा में पास हो वा फेल हो। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं, हम तो नंबर वन आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय के रिजल्ट क्या होती है? फिर विजयी बन ना सके। अगर जरा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे, जब तक निश्चय नहीं है। आप लोगों ने शुरू से ही दाव लगाया है कि वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, या सोचा था कि देखेंगे। दाव लगाया गोया बन गए। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हो तो कोई भी बात में ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। ये कौन बोलता है? सर्वशक्तिवान के बच्चे बोलते हैं। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएंगे। बल करके अंदर समझो कि ना मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएंगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा चलेगा। निश्चय रखेंगे हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। अगर ख्याल करेंगे कि अच्छा देखेंगे करेंगे तो कर्म भी ढीला ही चलेगा। कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। अब कहाँ तक यह पुराने संस्कार और संकल्प रहेंगे? पुराने संस्कार भी नहीं, संस्कार तो मोटी चीज है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए। तब कहेंगे भट्टी से पककर निकल रहे हैं। भट्टी का अर्थ ही क्या है? भट्टी में सारा जलकर खत्म हो जाता है, रूप ही बदल जाता है। कोई भी चीज भट्टी में डालेंगे तो उनका रूप गुण सब बदल जाएगा। आप भी भट्टी करते हो तो रूप गुण बदलना चाहिए। ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है,
फिर पकने से उनका रूप गुण बदल जाता है और कर्तव्य भी बदल जाता है। इसी रीति अपना रूप गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना है, यह पट्टी के रिजल्ट। अब बताओ कि बदल लिया है व बदलेंगे। आपके उमंगों के साथ बाप दादा की भी मदद है। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः प्राप्त होगा। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोह। ये तो तिलक माथे पर लगा ही दिया है, स्लोगन भी याद रखना है। जो कहेंगे वो करेंगे, यही माताओं की सजावट। माताएं श्रृंगार ज़्यादा करती है ना, तो इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है। सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रत्न होता है तो जास्ती चमकता है। तो बाप दादा ने इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज़्यादा हीरा बनना है। जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही न चाहते हुए भी दुनिया की नज़र आपके तरफ जाएंगी। दुनिया को कहने की दरकार नहीं होंगी कि हमारी तरफ देखो। यह ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खींचवाएगा। इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। आज अमृत वेले कोई कोई बच्चे विशेष याद आए, जो साकार रूप में ज़्यादा साथ रहे। आज विशेष उनकी याद आई, क्योंकि आजकल साथ रहने वालों का पुरुषार्थ पहले से बहुत अच्छा है। इसलिए पुरुषार्थ के स्नेह में उनकी याद आई। वर्तमान समय मधुबन वालों में परिवर्तन विशेष देखने में आ रहा है। हर स्थान में एक एक रत्न चमक कर जा रहे हैं। अब एक एक चमका हुआ रत्न फिर जाकर आप समान कैसे बनाते हैं वह अब देखेंगे। कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वह अब जमाना गया। अब तो मददगार बनना है और बनकर दिखाना है। अभी सबके दिल के अंदर यह रहता है हम भी जल्दी जाए। आगे तो कहते थे संगम युग में जितना जास्ती रहे उतना ही जास्ती अच्छा है, क्योंकि साकार के साथ में ही संगम के सुहेज थे। अभी तो चाहते हैं जहाँ अपना रहबर नहीं हम राही भी चले। तुम लोगों की चलन वाणी से ज़्यादा सर्विस करेंगी, डबल सर्विस में सफलता होगी, तभी डबल ताज मिलेगा। बोलो, सिंगल ताजधारी बनना है या डबल, या बने ही हुए हो? शक्ति रूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जबकि अव्यक्त स्थिति होगी। अव्यक्त स्थिति में रहकर भल व्यक्त में आते भी हैं, तो सिर्फ सर्विस अर्थ
सर्विस समाप्त हुई तो फिर अव्यक्त स्थिति में रहना, ऐसा अभ्यास रखना है। जो बलि चढ़ जाता है उनको रिटर्न में क्या मिलता है? बलि चढ़ने वालों को ईश्वरीय बल बहुत मिलता है। जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं वही सदा सुहागिन होते हैं, उनका सुहाग खत्म नहीं होता है। जो सदा सुहागिन होते हैं उनकी अविनाशी बिंदी सदैव होती है। आत्मस्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा सुहागिन को हर समय मस्तक में याद रहती है। सदा सुहागिन की और निशानी क्या होती है? एक तो बिंदी, दूसरा कंगन होता है, वो है संगम योगी कंगन। दोनों कभी भी नहीं उतारेंगे। संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। अभी विशेष कमाल की सर्विस करनी है, अपने संग से सबको ऐसा रंग लगाओ जो कि कभी उतर नहीं सके। म्यूजियम में तो सिर्फ संदेश लेकर चले जाते हैं, लेकिन अब यह ध्यान रखना है कि हमारे संग का रंग इतना तो अविनाशी रहे जो कि कभी भी वह उतर ना सके। अभी जंप दे करके जाना है। पहले था सिर्फ चलने का समय, फिर दौड़ने का समय भी आया, अभी तो है जंप का समय। अगर दौड़ कर पहुँचने की कोशिश करेंगे तो भी टू लेट हो जाएंगे। जंप देने में तो समय नहीं लगता। एक रस अवस्था में रहने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। वो कौन सा? एक तो स्नेही बनना, दूसरा सर्विसेबल। बस इनके बिना और कोई संकल्प नहीं। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। भट्टी का जो लक्ष्य है कि खुद बदल कर औरों को बदलना है, यह लक्ष्य सदैव याद रखना। यह निश्चय की छाप। आप पर कौन सा छाप लगा है? निश्चय बुद्धि, नष्ट मोह और सर्विसेबल का, यह त्रिमूर्ति छाप की निशानी लगाई हुई है। यह अपनी निशानी कायम रखनी है। आप समान औरों को अपने से भी ऊंचा बनाना है, कम नहीं। हमसे ऊंचा कोई बने यह भी तो अपनी ऊंचाई है ना। ओम शांति।